जहन दोस्तों, ओआरओपी 3 में कोई बदलाव होगा क्या? आप ऐसी उम्मीद लगाए बैठे हो। आज भी लोग उस प्रकार से ओआरओपी को नहीं पा पा रहे हैं जो कि उनको जिस प्रकार से बताई गई थी। पॉपुलेशन है फौजियों की, इसकी कोई अहमियत ही नहीं है, कोई अहमियत नहीं। के बाद हमारी पेंशनों के साथ, फौजियों के साथ, पेंशनों के साथ जो नुकसान हुआ था, और जब जंतर मंतर पे आए तो वहां पर आखिरी में एक चीज पता लगी कि प्रोटेस्ट नाम की भी कोई चीज होती है फौजियों के लिए। हाँ जी दोस्तों, अब हमारी आवाज तो बुलंद हो रही है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, और जिसको सुनना है, समझना है, यानी उनका झूठा राष्ट्रवाद का पर्दाफाश हो गया है। क्या आप सैनिकों के नाम पर राजनीति करते हो? सैनिकों को दिवाली पे मिठाई खिला के या रंग लगाने से उनके परिवार का भरण पोषण सही तरीके से नहीं हो सकता? उनके साथ जो भेदभाव अन्याय है उसकी, उसके लिए आप क्या कदम उठाना चाहते हो? लेकिन नहीं, मैं आज दो कर्नल साहब की बात करूंगा। एक कर्नल साहब है जो डट के मोदी जी को घेर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं और सैनिकों की बात कह रहे हैं। उन्होंने सैनिकों की 10 मांगें रखी हैं, 10 मांग रखी और सीधा प्रधानमंत्री से सवाल किए जा रहे हैं। और एक कर्नल है विर्क साहब, उनका मैं आप एक वीडियो दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि हमारा जो एक्सपीरियंस फौज का रहा है, और फौज के बाद मैं बीजेपी को भी ज्वाइन किया और मैं लगातार रक्षा मंत्री जी से भी मिलता हूं, हमने ये पाया है कि आपकी देश में जब तक इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपकी संख्या, सैनिकों की संख्या, आप बिल्कुल पॉइंटों में हो, आपकी कोई नहीं सुनेगा। यहां सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देते हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन उन्हें आपकी कोई चिंता नहीं। उन्हें उसकी चिंता है जो नेताओं के आसपास रहते हैं, जो वोट दिलाते हैं, करप्शन करते हैं, उन्हीं के हिसाब से पॉलिसी बनती है। तो सबसे पहले मैं उन 10 मांगों, यानी 10 सवालों की बात करूंगा जो सीधे सीधे माननीय मोदी जी से पूछे गए हैं कि आपका जो झूठा राष्ट्रवाद है, क्या सैनिकों के प्रति जो प्रेम है, यदि इतना सच्चा प्रेम है तो मेरे 10 सवालों के जवाब तो कम से कम दे दो, किसी भी रैली में दे दो, किसी भी सार्वजनिक जगह पर दे दो। आप सिर्फ पुरानी और झूठी बातें कहते हो, उनके आखिर 10 सवाल क्या थे? उन्होंने कहा कि सेना में कमजोर हो, आपकी जो अग्निवीर योजना है जो सेना को कमजोर कर रही, जिसके ऊपर बवाल मचा है। उन्होंने कहा है आपने वन रैंक वन पेंशन लागू तो किया लेकिन जो हमारी रिकमेंडेशन थी, जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट था, उसके बाहर जाके किया, इसलिए तमाम विसंगतियां हुई। जैसे विसंगति 2006 के बाद MSEP मिल रही है, उसके पिछले वालों को और अभी वालों को कितना अंतर है पेंशन में, आप समझ सकते हो। टेबल नंबर 7 देख सकते हो, सर्कुलर 555 देख सकते हो, सर्कुलर 666 दे सकते हो। तो इसमें आपका अंतर आ गया और आपने देखा कि एक्स ग्रुप में 2016 के बाद और पहले के बाद उसमें आपने अंतर डाल दिया, और आपने PMR का बुरा हाल कर दिया। प्रीमेच्योर बालों को तो झटका लगाया कि 1 जुलाई 2014 के बाद आए, वो पूरे जीवन भर इसी बेसिक पेंशन से कैसे अपने घर का गुजारा चलाएंगे, किस तरीके से करेंगे, उन्हें इस चीज का पता ही नहीं था। यदि उन्हें नौकरी नहीं मिलती तो उनका तो बहुत जीना मुश्किल हो जाएगा। तो 10 मांगे उन्होंने कहा है कि JSU जवानों के साथ ओआरओपी में गहरा भेदभाव क्यों किया? यानी आपको जब पता था कि वन रैंक वन पेंशन JSU जवानों के लिए थी, खासकर जवानों के लिए थी जो अर्ली एज में आ जाते हैं, लेकिन उनकी आपने परवाह नहीं की, आपने दूसरों को दे दी और उनके साथ जो विसंगति है वो आपने उसी तरीके से रखी। वो बार बार आपसे गुहार लगा रहे लेकिन आपने इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा समान मिलिट्री सर्विस पे क्यों नहीं बन सकती? समान मिलिट्री सर्विस पे भले आप किसी की कम करो या ज्यादा करो, लेकिन चाहे अफसर है चाहे JSU जवान है, सबको मिलिट्री सर्विस पे, सबको खतरा बराबर, सब चीजें बराबर, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों आपने भेदभाव किया और आपने अफसर का अलग करके PBR में JSU जवानों का एक किया? ये बहुत बड़ा भेदभाव। इन्होंने नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन की बात कही, ओल्ड डिसेबिलिटी पेंशन की बात कही कि आपने डिसेबिलिटी पेंशन के नए नियम बना करके लोग परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे। और उन्होंने क्या कहा, ओल्ड पेंशन स्कीम अर्ध सैनिक बल जो कि हमारे भाई पैरामिलिट्री फोर्सेस में, उनको भी जीवन को खतरा है, आपने उनकी जो परमानेंट पेंशन है वो बंद कर दी और NPS लगा करके आपने एक लॉलीपॉप बनाया, उसमें सब छल गए हैं, सब परेशान है। आपने अर्ध सैनिक बलों को OPS देना चाहिए, वो भी एक बेल्ट फोर्स है जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आप एक एक्स सर्विसमैन कमीशन बनाइए, 1.5 लाख पेंडिंग भर्ती कर दीजिए और 7.7 लाख भूतपूर्व सैनिकों के जो पद पड़े हैं खाली, आप उनको भरिए। और इन सब के लिए जैसा कि सैनिक आपके, उन्होंने कहा 1 करोड़ सैनिक समाज है और उनका परिवार झूठे राष्ट्रवाद के चक्कर में फंस गया है, और उन्होंने कहा इनको मैं निकाल रहा हूं। तो मैं इस कर्नल साहब को, कर्नल रोहित चौधरी साहब की, उनकी आज जिस तरीके की पहल है, मैं उन्हें धन्यवाद कहता हूं कि कम से कम सैनिकों के मुद्दों को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी तो आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे जनरल साहब हैं, वो जाकर के अभी तक हमारी कभी बात नहीं किया, 10 साल तक कैबिनेट में मिनिस्टर रहे लेकिन कोई बात नहीं की। उनके पास ज्ञापन भी ले गए तब भी उन्होंने हमें कोई भी आश्वासन नहीं दे पाए, हमारी बात इतनी नहीं रख पाई
कि कम से कम 3 रिटायर्ड जजों की मांग स्वीकार कर लो, एक बार इनकी बात सुन तो लो, मानो या मत मानो, सुन लो, क्या वो सच है तो मानना या आश्वासन देना या मजबूरी दिखा देना कि अभी पैसे नहीं है, दोबारा मेरी सरकार बनेगी तो मैं करूंगा, लेकिन आपने तो बिल्कुल हमारी तरफ से मुंह फेर लिया, शायद ये कोई राष्ट्रवाद नहीं है, ये सब बातें कही जा रही। अब मैं बात कहता हूं कर्नल विरिक साहब की। जैसा कि आप इनका वीडियो देखते हैं, उन्होंने कहा है मैंने सेना में 21 साल सेवा दी है। उसके बाद जब मैंने देखा सेना के अंदर जब हम थे तो ना तो हम पॉलिटिशियन को जानते थे, ना हम पॉलिटिक्स को जानते थे, ना ही सेना के ऊपर कोई पॉलिटिक्स करता था। जब हम रिटायर होकर आए तो हमने देखा कि 1973 से 1-1 पेंशन की मांग है, जब से हमारी लगातार उपेक्षा की जा रही, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, सैनिकों पर ध्यान नहीं दिया, सेना पर ध्यान नहीं दिया। जब मैं फौज के अंदर भर्ती हुआ था मेरी उम्र सिर्फ 19 साल की थी, उससे पहले क्या पॉलिटिक्स है मुझे इसके बारे में नहीं पता। उसे अगले 21 साल फौज के अंदर रहा, कौन पॉलिटिक्स क्या पॉलिटिक्स होती है, क्या पॉलिटिशियन होता है, इसके बारे में हमें नहीं पता, सिर्फ सुनते थे, काम करते थे। और हमारी ट्रेनिंग के अंदर भी यही था कि हमें किसी पॉलिटिक्स से और पॉलिटिशियन से लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जब रिटायर होके बाहर आ गए तो बाहर आकर देख, जब ये पिछले अगले 21 साल हो गए मुझे 99 के बाद रिटायर होने के बाद, तो यहाँ पर जो सिविल के अंदर जो माहौल हमने देखा वो बिल्कुल ही अलग था। सिर्फ उन्होंने कहा है कि सेना सैनिक है वो देश के लिए कुर्बान होने के लिए, बाकी और उन्होंने आगे उन्होंने कहा उसके बाद हमने सोचा कि इन मुद्दों को उठाया जाए, हमने भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद रखी, मैं इस पार्टी में ज्वाइन हुआ, लगातार आज भी कब तमाम है, चाहे शॉर्ट सर्विस कमीशन को लेकर हो, वन रैंक वन पेंशन को लेकर हो, तमाम विसंगतियों को लेकर हो, जंतर मंत्र की विसंगतियों को लेकर हो, मैं हैरानी हो गया कि पहली बार फौजी इस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, जो कि आपने देखा होगा जंतर मंत्र पर हुआ, रक्षा मंत्री जी से भी मैं मिला, कई प्रकार की बातें रखी, अपना उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया कि यहाँ पॉलिटिशियन जो नेता होता है वो उसी की भाषा समझता है जो उसके आसपास घूमता है, वो अपने हिसाब से पॉलिसी बनवाएगा, अपने हिसाब से ठेका लेगा, यहाँ फौज बिल्कुल माइनॉरिटी है, इसकी कोई परवाह कोई नहीं करने वाला है, ये इस तरीके का यहाँ तंत्र है, मुझे सोच के हैरानी होती है। उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस साझा किया, आप उनका वीडियो दे सकते। अलग था लेकिन सेंस कि यहाँ पर जो अहमियत है, खासियत है, वो उन्हीं की है जो ये पॉलिटिकल पार्टीबाजी के साथ मिलकर अपने काम काज करवाते हैं या अपने धंधे करवाते हैं या अपने बिजनेस करवाते हैं या पॉलिसीज बनवाते हैं, सब कुछ ये इनके हाथ में है। एंड यहां तक इतने ये पावरफुल हैं, इनका सिस्टम इतना पावरफुल है कि जो हमारी मैं कहता हूं कि हम 2.21% जो हमारी है, 2% जो हमारी सुपर माइनॉरिटी जो पॉपुलेशन है, 0.21 सुपर माइनॉरिटी पॉपुलेशन है फौजियों की, इसकी कोई अहमियत ही नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। नॉट ओनली दैट, जो हम 21-25-30 साल ट्रेनिंग लेके आते हैं वो और सिविल के अंदर आके बिल्कुल ये तालमेल नहीं मिलता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जब हमने ओआरओपी का ये जंतर मंतर के अंदर हमने नारेबाजी शुरू हो गई और हमारा इनजस्टिस देखा 1973 के बाद हमारी पेंशनों के साथ, फौजियों के साथ पेंशनों के साथ जो नुकसान हुआ था, और जब जंतर मंतर पे आए तो वहां पर आखिरी में एक चीज पता लगी कि प्रोटेस्ट नाम की भी कोई चीज होती है फौजियों के लिए। इससे पहले अगर आपने देखा हो देश के अंदर कभी भी प्रोटेस्ट नहीं हुए, और ये प्रोटेस्ट लगातार चलते रहे और प्रोटेस्ट आज तक भी चल रहे हैं, क्योंकि आज भी लोग उस प्रकार से ओआरओपी को नहीं पा रहे हैं जो कि उनको जिस प्रकार से बताई गई थी, कि जब ये मुद्दे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, सोल्यूशन निकल नहीं रहे हैं। ये तकरीबन जब यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम जब ये प्रॉब्लम्स शुरू हो रही थी पंजाब के अंदर, अपने मोहल्ले इलाके के अंदर, कहीं ना कहीं तो हमने वोट डाल ली है, और वोट डालने के लिए जब हमें पता लगा कि वोट डालने का भी कोई कहीं हक बनता है तो लोग पूछते हैं कहाँ डालेंगे जी भाई, किस पार्टी के साथ चलेंगे। अरे यार, हमने भी अपनी बुद्धि इस्तेमाल करनी है, किसी से बातचीत करनी है, किसी से पूछना है। तो तकरीबन 15-16 साल के बाद मुझे तसल्ली हो गई, इसमें दो राय नहीं है कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम के साथ जुड़कर कोई ना कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे ये जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इंडिपेंडेंटली पंजाब में इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, हमारी असेंबली, पंजाब असेंबली के अंदर, उस समय मुझे एक होप महसूस हुई, एक महसूस हुआ कि ये जो हमारी एक प्रॉब्लम जो सॉल्व है, जो कि नेशनल लेवल की पार्टी है, और हमारी ओआरओपी का जो जो प्रॉब्लम है ये नेशनल लेवल की प्रॉब्लम है,
और नेशनल लेवल की प्रॉब्लम के लिए नेशनल पार्टी ही जो ऑलरेडी सत्ता पर है, जिसको हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार, मैंने कहा यही सॉल्व कर सकती है, क्योंकि हमें, मुझे इंटरेस्ट है मेरे जो जवानों को, मेरे ऑफिसर्स को, जो इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, वुमेन शॉर्ट सर्विस इमरजेंसी ऑफिसर्स, पिछले 60 साल से इस, उनके पास कोई प्रिविलेज नहीं है, वन रैंक वन प्रिविलेज नहीं है, दुख होता है। तो मैंने कहा शायद इस 10 इसके अंदर हमारे मौका मिल जाएगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है, हर एक ने, जो भी लीडर मेरे साथ मिला, जो भी जिससे मैंने बात की, उन्होंने विश्वास दिलाया, उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम आपका ये जो मांग है ये पूरी करवाने की कोशिश करेंगे। और आपने देखा होगा दिनेश जी, मैं थोड़े दिन पहले अपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अपना राजनाथ सिंह को भी लेकर आया, पूरी कोशिश कर रहे हैं हम, ऐसी कोई जगह हमने कोई तरीका नहीं छोड़ा जिससे कि हम अपनी ये वन रैंक वन प्रिविलेज फॉर माई शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की हम पूरी कर सके, लेकिन नहीं हुआ। आफ्टरऑल हमें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि होना कैसे चाहिए था, और मैं आज दुखी मन से कह रहा हूं कि वो ये डिसीजन भी मेरा गलत था, कि अगर आप एक अभिलाषा लेकर एक पार्टी के अंदर एंटर करते हैं और महसूस करवाते हैं कि भाई हाँ ये हमारी इतनी बड़ी दिक्कत है, ये नहीं कि दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत है, इसको सॉल्व करना चाहिए। सो मेरी तरफ से एक सरकार कल को जो मर्जी आए, लेकिन आज पिछले जब से इलेक्शन कमीशन ऑर्डर हो गया, हो सकता है कि इससे पहले भी ऑर्डर आ जाए, आफ्टरऑल ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, कोई इसके इसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट कोई चक्कर नहीं है, ये अभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और मैं चाहता हूं कि होना चाहिए।